अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। या सबसे पहले ईद मुबारक। और आज ईद है, ये मौसम देख के पता चल रहा है क्योंकि आज बादल भी अजान दे रहे हैं। रमज़ान ख़त्म हो गया और यार आज ईद का फर्स्ट डे है। बिस्मिल्लाह करके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ घर की छत से। काले बादल आए हुए हैं माशाल्लाह यार, गरजरे भी हैं। जो जो ग्राउंड है ना, इसमें होनी है नमाज ईद की। ये देखें, औरतों के लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है और मर्दों के लिए भी। अभी नमाज होने में थोड़ी देर बाकी है और यार मैं बड़ी मुश्किलों से उठा हूँ। अभी मैं नीचे जाऊँगा, शावर लूँगा और यार फिर नमाज के लिए निकलूँगा। तो यार फिर आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भाई यार आज मौसम काफ़ी ज़बरदस्त है यार, ये मेरा फेवरेट मौसम है। और अगर इधर बारिश होगी ना स्टार्ट, तो थोड़ा काम खराब हो सकता है। खैर यार अब हम चलते हैं नीचे, इस तरफ गाड़ी की पार्किंग है। मैंने कोई यार हेयर कट मशीन वगैरह नहीं की क्योंकि मेरा सारा फोकस वीडियोस की तरफ था, यूट्यूब की ना। कोई कपड़े खरीदे। खैर यार अभी चलते हैं नमाज के लिए तैयारी करती हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह यार तैयार हो गया हूँ, शलवार कमीज भी पहन लिया आज काफ़ी देर बाद। लेकिन यार इस ग्राउंड में ईद की नमाज़ हो गई है, अब मैं किसी और मस्जिद जा रहा हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने। अब मैं कोई और मस्जिद ढूंढूंगा और यार वहाँ पे नमाज अदा करूँगा। माशाल्लाह यार क्या मौसम हुआ है। इस वाली मस्जिद में भी ईद की नमाज़ अभी होने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कैंट जा के पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यार मस्जिद पहुँच गई है। ये मस्जिद मुझे बहुत पसंद है, मैं दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा आपको अंदर से दिखाऊँ। इस वाली मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, इधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है माशाल्लाह। मसल्ला ले आया हूँ साथ। One hour later. अल्हम्दुलिल्लाह यार नमाज अदा कर ली है। इस मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी थी, कोई भी मास्क के बगैर नहीं था। और यार मैं एक घंटा पहले का चला गया था मस्जिद में। मैं इस मस्जिद में 6:15 पे आया था और जमात 7 बजे हुई है, काफ़ी देर बैठा हूँ। इस मस्जिद में यार बहुत ज़्यादा रश था, सारे कैंट के लोग यहाँ पर रहे थे नमाज पढ़ने, काफ़ी ज़्यादा रश था। इस मस्जिद में यार पार्किंग भी ख़त्म हो गई थी और दूर दूर तक इन्होंने पार्किंग लगाई हुई थी। मैं आपको सब कुछ दिखा तो देता, मस्जिद की भी मैं आपको वीडियो बताता, पर यार नहीं, कैमरा लाओ नहीं था। खैर यार अब चलते हैं घर, घर वालों को इकट्ठा करते हैं और यार कब्रिस्तान चलते हैं। कंफर्म नहीं पता कि पहले हम कब्रिस्तान जाएंगे, देखते हैं यार। थोड़ा सा ऊपर से चक्कर लगा के ना, मौसम अच्छा है, फिर घर चले जाऊँगा। मौसम देखो यार आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। घर वापस आ गए। बारिश होने वाली है बहुत तेज। ईद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा यार चक्कर लगाया था, मौसम अच्छा था, फिर घर आ गया। फिर यार थोड़ी थकावट हुई भी थी, मैं सोफे पे बैठा तो यार नींद ही आ गई थी सोफे पे। शुरुआत में इसकी स्थिति खराब हो गई है, कह रहा यार आज के दिन इसी में रहेंगे। फिलहाल अभी उठे हैं, चिकन खाया और सेवियाँ खाई हैं। कमेंट में बताना यार आप लोगों ने घर क्या पका हुआ था। तो यार अभी मूड हो रहा है थोड़ा, गाड़ी निकालते हैं, बाहर चक्कर लगा के आते हैं, कभी धूप आ रही है कभी मौसम अच्छा हो रहा है। तो यार चलते हैं और बाहर यार कुछ देखते हैं क्या मिलते हैं। चाबी मिल गई है,
अंदर ये गंदी हुई है यार। सामने से गाड़ी की स्क्रीन काफ़ी गंदी हुई है, मैंने वाइपर ऑन किया है पर शावर में पानी नहीं है इसमें यार, पहले पानी डालती हैं। चलो यार अब स्क्रीन साफ होगी। 1 hour later क्या चमक गया यार। चल चलते हैं, मैं जा रहा हूँ फिलहाल कैंट की तरफ यार, उधर थोड़ी ग्रीनरी होती है उधर जा रहा हूँ। और यार कब्रिस्तान भी जाना था, मैं सो गया था, बल्कि घर वाले ही सारे सो गए थे। अब कल पे रखे, कल इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाना सारों ने इकट्ठे होके। यार यहाँ से कुछ पीने के लिए पकड़ती हैं, आज ये पीते हैं। ये गर्मी किधर से आ गई है, ये किधर आ गया हूँ मैं गाड़ी में यार, आज कोई मज़ा नहीं आ रहा यार, आज कोई मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ यार, खेलो घर चल गया तो यार वापिस। खाली है यार, खाली खाली रोड जो है, खाने पीने वाली जगह भी है बस थोड़ा बहुत रश पड़े। मैं जैसे गुजरा था तो मेरी नज़र पड़ी है पार्क पे यार, पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखो भाई ईद मनाने आए, पार्क में काफ़ी रश है यार। वो मैं कोशिश करता हूँ यार अंदर जाके आपको एक वीडियो बना के बताता हूँ, काफी रश है यार पार्क में। कैसा हुआ वीमल खा लिया? अब वीमल सारा खाली हो गया, शॉप्स क्लोज हैं। ये जो जितनी भी गाड़ियां हैं ना यहाँ पे पार्क, ये सारे सिंधबाद आए हुए ईद मनाने। रश देखो यार काफी रश है इधर सिंधबाद में, ये सारी पार्किंग भाई सिंधबाद गए हुए हैं, सारे सिंधबाद गए हुए हैं यार ये सारे गाड़ियों वाले। यार बच्चों की चीखों की आवाजें आ रही हैं इधर, बस। तो यार ये एंट्री मारते हैं पार्क में, ये मेरे घर के सबसे करीब वाला ये पार्क है और इसका नाम है फैमिली पार्क, हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा हुआ सारा। इसमें मारते हैं कैंट्री, आपको एक रश की वीडियो बताता हूँ, फिर घर चलते हैं क्योंकि अजान हो रही है। कार किधर पार्क करूँ यार? हाँ इसके अंदर कर लेता हूँ। बहुत रश है यार पार्क में, मैंने आज से पहले इतना पार्क में रश नहीं देखा। इस तरह से सैलाब आ गया, सैलाब आ गया यार इस तरफ तो लोगों का, बहुत रश है यार पार्क से भाग के यार आओ यार इधर। पता नहीं यार इतने लोग कहाँ से आ गए, मैं हैरान हो गया यार, मैंने इससे पहले इतना रश पार्क में नहीं देखा। और यार मैं देख रहा हूँ 10 लोग पार्क के अंदर जा रहे हैं और यार 2 बाहर आ रही हैं, रश बढ़ता जा रहा है, मैं तो यार दौड़ू ऐसे बाहर। ये देखो यार रश बढ़ता जा रहा है, इधर बाइक से है हर तरफ यार। अब घर चलते हैं, उधर से बस का शुक्र है घर आ गया। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गया बाहर के रोनक में देख के। और यार अभी मेरे फोन की बैटरी हो रही है बिल्कुल डेड, मैं जा रहा हूँ मामा के घर फोन को चार्जिंग पर लगा के जाऊँ, जब वापस आऊंगा तो फोन चार्जिंग से उतार लूंगा। तो यार मिलते हैं थोड़ी देर तक। 3 hours later
मामा के घर से वापस आ गए हैं और यार मेरे फ़ोन की बैटरी भी फुल हो गई है और अभी टाइम काफ़ी हो गया यार, कभी लाइट जा रही है और कभी आ रही है, पर मेरे यहाँ से मौसम ख़राब हो गया उसकी वजह से। और यार मुझे मेरे कज़न की कॉल आई थी, कज़न के घर मैंने जाना है, उसने ना पिज़्ज़े की ट्रीट दी है, तो यार चलते हैं और जाके पिज़्ज़ा खा के आते हैं। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी, मैं गाड़ी में आकर बैठा हूँ तो यार एकदम लाइट चली गई है और तूफान आ गया, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और बाहर बादल भी चमक रहे हैं। खैर यार हम चलते हैं कज़न के घर और जाके पिज़्ज़ा खा के आते हैं। पहला दिन और बारिश शुरू हो गई है माशाल्लाह, मुझे लग रहा है इस बार बारिश जम के बरसेगी। और यार वो हमारे जो कॉलोनी में लाइट खराब हुई हुई थी ना, वो भी साथ साथ ठीक कर रहे हैं, वो ऊपर लाइट लेके चढ़ा हुआ है पोल पे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गया यार। आज भाई ताज़ा हवा लेंगे बाहर की, ओह ठंडी हवा है भाई यार बाहर। लो यार कजन के घर पहुंच गए, अंधेरा बहुत है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह यार कज़न के घर आ गया हूँ और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा भी पहुँच गया यार, 1.5 घंटा वेट किया है, ईद की वजह से काफ़ी रश है, काफ़ी लोगों ने ऑर्डर दिया है, तो यार पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा नहीं डोनर है, तो वही ये है डोनर, एक ने यहाँ से पीस भी निकाली, उसको कहा यार वीडियो बनानी है पर उसने पीस निकाली है यहाँ से। खैर यार खाते हैं और खाने के बाद मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार कज़न के घर से पिज़्ज़ा खा के घर वापस, पिज़्ज़ा नहीं था यार क्या था, डोनर डोनर खा के घर वापस आ गया, काफ़ी मज़े का था पर यार चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी अंदर, आई डोंट लाइक चीज़, पर अल्हम्दुलिल्लाह यार जैसा भी था मज़े का था। और यार आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, थोड़ा इजी हो गया मैं, तो यार आज कब्रिस्तान जा रहा था, कब्रिस्तान भी नहीं गया, सो गया था थोड़ी देर, और अब कल यानी ईद के दूसरे दिन यार कब्रिस्तान ज़रूर जाना है। तो ये आज की वीडियो थी, इस तरह से गुजरा मेरे ईद का पहला दिन अकेले। खैर यार ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को यानी दूसरी ईद के दिन मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दो में याद रखें, और यार आज का शेर है, ईद मना रही हैं ईद मनाने वाले, ईद मना रही हैं ईद मनाने वाले, हमें सता रही हैं ना सताने वाले। अल्लाह हाफिज़।